अस्सलाम वालेकुम। तो ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है द ओप्पो A98 स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में और बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होने जा रहा है। दिस इज द ओप्पो A98 5G स्मार्टफोन फर्स्ट लुक आपके सामने और स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है ओप्पो के बाकी स्मार्टफोन की तरह। रियर साइड पर डुअल रिंग कैमरा सेटअप दिया गया जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप रिफ्रेश लाइट है, उससे नीचे यहाँ पर इनोवेटिव कैमरा की ब्रांड देखने को मिल जाती है और स्मार्टफोन के बॉटम साइड पर ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्स डिज़ाइन के साथ आता है, फ्लैट एजेस दिए गए हैं, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है और ये जो स्मार्टफोन है 192 ग्राम वेट और 8.2 mm थिकनेस के साथ आता है। ये जो स्मार्टफोन है ब्लैक कलर और ब्लू कलर में रिवील किया जा चुका है और दोनों कलर काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है और एक साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। लुक वाइज मुझे काफ़ी बेहतर लगे, काफ़ी डिसेंट, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतनी कमाल नहीं है तो मैं जरूर इस बारे में थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओप्पो A98 स्मार्टफोन में दिया गया 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक IPS डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, यहाँ पर 680 की नाइट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 392 की PPI डेंसिटी, 87% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन को जो डिस्प्ले काफ़ी एक बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है, बेजल और चिन भी इस बार काफ़ी कंट्रोल किए गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं है लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर जो IPS डिस्प्ले उसने मुझे हाईली डिसअपॉइंट किया है, बहुत बड़े प्राइस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन आने वाले लेकिन फिर भी IPS डिस्प्ले देना बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। तो ओप्पो वाले हमेशा एमोलेड डिस्प्ले की वजह से मशहूर होते हैं लेकिन इस बार उसने कौन सा यहाँ पर नशा किया था जो कि इस तरह का यहाँ पर अजीब हरकतें कर रहे हैं। ऑलरेडी हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं और इस बार तो बिल्कुल मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। प्रोसेसर के मामले में भी ये स्मार्टफोन ज़्यादा शह निशान नहीं है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर की फेब्रिकेशन पर बेस है और एड्रेनो 619 का GPU दिया गया है। ये जो स्मार्टफोन है 8 GB रैम 256 वाले वेरियंट में रिवील किया जा चुका है जो कि UFS 2.2 के स्टोर टाइप के साथ आता है और स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ ColorOS 13 का लेटेस्ट वर्जन साथ लेके आता है। स्नैपड्रैगन 695 आप सबको मालूम है कि पावर एफिशिएंट तो है लेकिन पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर गेमिंग वाइज ये बहुत स्ट्रगल करेगा। 40 FPS तक आपको ठीक ठाक गुजारे लाइक परफॉर्मेंस देगा लेकिन बाकी हैवी टास्क लाइक हाई लेवल के यहाँ पर जो रेंडरिंग होती है एडिटिंग की या कुछ और चीज़ें तो वो आप स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओप्पो A98 की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात हो तो स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो करीब अगर पाकिस्तान में आते तो 80,000 से ऊपर जाएगा और लैंड के बारे में मुझे कोई भी कंफर्मेशन नहीं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो स्मार्टफोन की रिगार्डिंग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो सबको मालूम है। ओप्पो A98 स्मार्टफोन की रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है 4.7 अपर्चर के साथ और यहाँ पर जो बाकी दो सेंसर वो फालतू के सेंसर है, डेप्थ सेंसर है और माइक्रोस्कोपिक सेंसर है, जबकि फ्रंट आपको सेंटर पांच होल कैमरा में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। स्मार्टफोन के जो दो कैमरा है फ्रंट कैमरा और मेन कैमरा वो काम के हैं, बाकी जो तीसरा सेंसर है वो जो माइक्रोस्कोपिक सेंसर है वो यहाँ पर 4x जूम प्रोवाइड करता है और छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर जूम देता है। फ़न के लिए तो ठीक है लेकिन रेगुलर इस्तेमाल में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कैमरा की बात हूँ तो स्नैपड्रैगन 695 इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कैमरा वाइज, लिहाजा आप ज़रूर इस मामले में स्ट्रगल करेगा। इस मामले में जो कैमरा से तो ज़्यादा तो वो बात नहीं रखेंगे तो अच्छी अच्छी भली आपकी जो टाइम वो स्मार्टफोन के साथ गुजर रही होगी। ओप्पो A98 स्मार्टफोन में 5 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जर, टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और डुअल स्पीकर दिए गए हैं। ये दो चीज़ें मुझे पसंद है जो ऑडियो जैक है और डुअल स्पीकर है, बाकी स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज है हर एक मामले में, कोई भी चीज़ स्मार्टफोन इतना ज़्यादा शह निशान और यहाँ पर सेटिस्फाइंग नहीं है। आप क्या सोचिए स्मार्टफोन के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।